सिलसिला शुरू हुआ है जहाँ भी वक्फ है कब्रिस्तान वक्फ ज़्यादा होती है और काम की थी। आज तो हम यहाँ पे मैं एक बार पहले भी आया था जब आपने कहा था कुछ मशवरा कर लिया आप देखने थोड़ा सा कहाँ से आए कैसे पहुँचे स्टेट की जो अथॉरिटी है सारी आपकी फाइल पढ़ चुकी है ठीक है। आप कुछ लोग मेरे दफ्तर में भी गए वहाँ पर मैं अपनी फाइल दी उसके अलावा और भी जम्मू जो स्टेट ऑफ काउंसिल का दफ्तर है वहाँ पर भी आपकी फाइल दी है मैंने पढ़ी तो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉपरेट करें मेरे साथ ठीक है। निज़ाम तो इंशाल्लाह मिलजुल कर ही सबने चलाना है उसमें आप उन्हें कॉपरेट करें ताकि हम इसको अपनी तवील करें जो आपके हैं ये सर नारे मारो वहाँ भी चढ़ाते हैं न्याज क्या हम वहाँ भी लेने के हकदार नहीं है यहाँ भी आने के हकदार नहीं है अपने अगर वालिद साहब की आपने मैं आपसे एक कमिटमेंट मेरी है मैं आपका एक आदमी यहाँ पे अपॉइंट करूँगा जिसको सरकारी खजाने से तनख्वाह जाएगी मैं इसके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता ठीक है डेवलपमेंट ज्यादा हुई एक आदमी हम सिर्फ ओवर एडजस्ट कर सकते हैं देखो बाद में मैथ के बात करूंगा यही मेरी लकीर है और यही मेरा सब कुछ है क्यों इससे बड़ा एफिडेविट इससे बड़ा रिटर्न में कुछ भी नहीं अगर आप बोलोगे मैं रिटर्न में अभी ऑर्डर करके जाऊंगा उस बंदे को और पूरे स्टेट में कभी भी उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता मैं आपके साथ ये कॉपरेट कर सकता हूँ आप मुझे बताइए कि मैं हद क्रॉस करके आपके उसमें आ रहा हूँ इतनी देर में बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे वकील भट्ट साहब यहीं के उन्होंने भी कहा जी बड़े इज्जतदार लोग हैं ये हैं अकरम साहब ने मुझे 50 बार बोला वो आप चाहिए का आपने सवाल किया मैंने कहा बच्चे आपके जाया नहीं होगी उनकी पढ़ाई जाया नहीं होगी एक मौलवी हम उसकी तनख्वाह वहाँ पे देंगे ठीक है ना उसके बाद जब यहाँ डेवलपमेंट होगी अगर यहाँ पे काम ज़्यादा होगा और आदमी अगर कोई अपॉइंट करना होगा मैं आप में से अपॉइंट करूँगा मैं बाहर से कोई आदमी और क्या इससे ज़्यादा मैं कोई कमिटमेंट कर सकता हूँ मैं दरबार पर बैठे कमिटमेंट कर रहा हूँ अब ये मर्जी आपके हाथ में फैसला आपके हाथ में अब इसको डिले नहीं करते सर दो चार डिले तो एक सेकंड नहीं हो सकता है डिले तो आप कहोगे कि मुझे अगर ऊपर से सिस्टम आप आपसे कार्रवाई करो जो आप प्रश्न कैसे करेंगे आप जबरदस्ती हमारे से ले दस्तखत करना करे नहीं हमने छोड़ दिया मैं कह रहा हूँ आप हम मदारत नहीं करेंगे इनने छोड़ दिया छोड़ दिया हमने छोड़ करेंगे नहीं पोस्ट मार लिया मार लिया पोस्ट मार लिया मार लिया आपका नाम आज ये जो बहरामगला वाली ज़ियारत है ज़ियारत शरीफ है ये आकाफ के अंदर हुई है तो आप क्या कहेंगे आप यहाँ के बाद इसके हम रास्ते हैं हमारी जैसे बहरामगला ज़ियारत है हमारा रेशी खानदान इधर से चला रहा है हम गंदरबल से चले हैं सर हमारा इसके साथ 40-50 घर है इसके साथ जुड़ा हुआ है सर 40-50 घर जुड़ा हुआ है रेशी का
तो जो हमारा पट्टा मियाँ कायम जो इन्होंने मुसलमान इन्होंने किया है बाबा सईद अकबर, और हमारा दादाजी भी इनका भी रोज़ा अंदर है, हमारे दादाजी का वो रोज़ा अंदर है, हमारे दादाजी का भी। और फिर हमने पहली बार भी हमने केस लड़ा महाराजा के वेले में, उसने भी हमारे हक में फैसला किया उन्होंने महाराजा। कोई आपने इसके लिए बैंक अकाउंट या ज़ियारत का जो पैसा जाता है कोई आपके पास बैंक अकाउंट? नहीं, हमारे पास 150 रुपया 200 रुपया आता है दिन को, 150 रुपया आता है, कोई मुर्गा के पास इतनी है। तो हमने जमा मस्जिद इतनी बड़ी बनाई है सर, उसने हमारे हक में फैसला किया है, जो मकबूल सैन एडमिनिस्ट्रेटर है उसने हमारे साथ हमारे हक में फैसला किया है सर। जो तहसील दर्ज चढ़ा ब्लॉक किसाना से लेकर पखलियाज तक एक पंचायत को उन्होंने हमारे हक में फैसला किया सर, फिर महाराजा ने फैसला हमारे हक में किया सर। जरा से हमारी बेनसाफी हो रही है हमारे साथ, जो हमारा परिवार इसके 40-50 वो कहाँ जाएगा सर। आज हमारे साथ हैं रियाज आतिश आकाफ एडमिनिस्ट्रेटर। सर आज आपने बहराम गला में आके ये वो जो ज़ियारत शरीफ है अपने कब्ज़ में लिया है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? सर जानते हैं कि आजकल अभी रिसेंटली हमने निशाना जो बाबा गुलाम शाह बादशाह तक की है उसको काफ़ी तवील में लिया, उससे पहले बटल कोट में जो ज़ियारत थी उसको भी हमने अपनी तवील में लिया। आज जो हम यहाँ बहराम गला में जो हमारे ज़ियारत शरीफ समानी साहब की जो यहाँ पर ज़ियारत थी आज इसको हमने यहाँ पर अपनी तवील में लिया, जिसमें मेरे हमरा यहाँ जो नायब तहसीलदार साहब थे और यहाँ के जो छुट्टी अफसर साहब भी थे वो भी मेरे हमरा मेरे साथ थे और कुछ मकामी लोग भी मेरे साथ थे। आज इसको हमने पीसफुली जो है अपनी तवील में लिया है। यहाँ का जो निज़ाम है वो आज के बाद जो है वो काफ़ी इस्लामी सुरनकोट पूंछ जो है वो चलाएगी, और इसमें जो यहाँ साथ में नियर बाई जो कब्रिस्तान है उसमें भी एक हदायत दी गई है कि जो कब्रिस्तान जो इसकी बाउंड्री नहीं है और जो तारबंदी नहीं है इंशाल्लाह वो भी। ये जो ज़ियारत शरीफ है पहले यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट या कुछ ऐसा था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बैंक अकाउंट था, ना ही कोई प्रॉपर सेफ यहाँ जो है इंस्टॉल किया गया हुआ था। एक छोटा सा जो है सेफ रखा गया है, आज हमने अपना सेफ भी यहाँ इंस्टॉल किया है और अपना एक जो साइन बोर्ड भी है जो हमने अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। जो प्रेजेंस जो थी हमारे से इन प्रेजेंस ऑफ द डिप्टी मैजिस्ट्रेट और हमारे चौकी अफसर।